हाय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि पिछला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था, जो क्वेश्चन बताया था, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम एक और महत्वपूर्ण नए क्वेश्चन के साथ आए हैं, जो है इम्ब्रियो सैक। मैंने पीछे बताया था कि इस पर मैं एक अलग से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, अलग से बताऊँगा इम्ब्रियो सैक के बारे में। तो क्वेश्चन अगर रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इम्ब्रियो सैक किसे कहा जाता है और इसके अंदर जो होता है फीमेल गैमेट का निर्माण कैसे होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त तो मैंने पीछे बता दिया था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे होता है। ये जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये था जो पीछे हमने जो अंडाशय का पिक्चर बताया था, और अंडाशय के अंदर जो बीजांड था, और बीजांड के अंदर में इस तरह से क्या होता था, कुछ सेल ऐसे हम बताए थे, ठीक है। इसी को हम लोग डिटेल से यहाँ पर हम लोग देखते हैं संक्षिप्त रूप से कि क्या है। तो ये है इम्ब्रियो सैक का पिक्चर, और इम्ब्रियो सैक किसे कहेंगे, तो बीजांड के अंदर क्या होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड, और बीजांड के अंदर में क्या होता है, तो इम्ब्रियो सैक होते हैं। तो ये इम्ब्रियो सैक है, यानी बीजांड के अंदर पाए जाने वाले अंडाकार रचना को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोष के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, भ्रूण कोष में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग, तो मेगा स्पोर मदर सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल पाया जाता है। तो हमने पीछे भी बात किया था, जब हम लोगों ने परागकण के बारे में हम लोग पढ़ा था, तो वहां पे भी बताया था नहीं, और यहां पर हम बता रहे हैं क्या है, इसके अंदर सेल जो पाया जाता है वो मेगा स्पोर मदर सेल होता है, जो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, जो क्या होता है, द्विगुणित होता है। अब इसमें क्या होता है, डिविजन की क्रियाएं चलती है, तो डिविजन के फलस्वरूप क्या होता है कि इसमें मतलब लगातार तीन बार डिविजन की क्रिया होती है। सबसे पहले तो क्या होगा, मियोसिस सेल डिविजन की क्रिया होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तो इसमें जो मतलब क्या होगा, सेल जो बनेगा वो क्या होगा, हैप्लॉयड हो जाएगा, नहीं, जो डिप्लॉयड होता है वो क्या होता है, हैप्लॉयड हो जाता है। फिर मियोसिस जब सेकंड की क्रियाएं होगी, तो वो क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रिया जैसा ही होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि जैसे 46 हम लोग की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, सेम टू सेम 46 का 46 अगर मतलब टू कॉपी तैयार हो जाना, नहीं, माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, टू का टू क्या होता है, उसका कॉपी तैयार हो जाता है, यानी छाया प्रति तैयार हो जाता है। लेकिन जब इसी में मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होगी, तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, इसका हाफ हाफ हो जाता है, यानी तैस तैस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जब इसी में मियोसिस सेकंड की क्रिया होगा, तो मियोसिस सेकंड जो होता है सेम टू सेम माइटोसिस सेल डिवीजन जैसा होता है, लेकिन वो क्या होता है, हैप्लॉयड सेल को द्विगुणित करने का काम करता है, इसलिए हम मियोसिस इसको क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो मियोसिस सेल डिवीजन की इसी प्रकार से जब क्या होता है, इसमें मतलब तीन बार क्या होता है, डिवीजन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप 8 सेल का निर्माण होता है। कितने सेल का निर्माण होता है, 8 हैप्लॉयड सेल का निर्माण होता है। अब देखिए इसके अंदर गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोशिका का निर्माण हुआ है, और मैंने यहाँ पे सब में NN लिख दिया है। जैसा कि हमने पीछे बताया था कि हैप्लॉयड को हम लोग N से सूचित करते हैं, और डिप्लॉयड को हम लोग 2N से सूचित करते हैं। तो इसके अंदर जो मेगा स्पोर मदर सेल था, उसमें क्या हो गया, तो डिवीजन की क्रिया हुई है, जिसके कारण क्या होता है, 8 जो है वो हैप्लॉयड सेल का निर्माण होता है, जिसमें से 3 जो है, ये 3 सेल जो होता है क्या होता है, तो एम्ब्रियो सैक में चलेजल एंड के तरफ चला जाता है। देखिए 3 सेल जो है हैप्लॉयड सेल A1 2 3, ये 3 जो कोशिका वो किधर चला गया, चलेजल एंड के तरफ चला गया। इस तीनों कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, जबकि 3 सेल जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ चला जाता है। इस तीनों सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एग एपरेटर, एग एपरेटस के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो एग एपरेटस है, इसमें ऊपर की ओर जो होता है एक सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं, जबकि इसके नीचे के जो 2 छोटे सेल होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनर्गिड बोलते हैं। तो 3 और 3 6 कोशिका हो गया, सेल का निर्माण कितना होता है, 8। अब जो 2 सेल हैं वो क्या होते हैं, इम्ब्रियो सैक के मिडिल पॉइंट में चले जाते हैं, मतलब बीच में रहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लिक के नाम से जानते हैं। ये जो एग सेल देख रहे हैं, यही एग सेल क्या होता है, जेनरेटिव सेल जो परागकण से आते हैं उसके साथ क्या होता है, फ्यूजन की क्रिया करता है, और फ्यूजन की क्रिया करता है तो फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, यह आगे विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है। जबकि हम लोग यहां पर देख रहे हैं 2 सेल, हैप्लॉयड और हैप्लॉयड, पोलर न्यूक्लिक है कि नहीं, तो यहां पर 2 सेल हैं, और इसी दोनों सेल से क्या होगा, जो उसमें वेजिटेटिव सेल था, तो हम लोग बात किए थे गैमेट, गैमेट हर हमेशा क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। तो यहां पर 2 सेल पहले से हैं, और 1 सेल क्या होगा, और आ जाएगा, वो भी क्या होगा, हैप्लॉयड आ जाएगा, नहीं। तो यहां पर पोलर न्यूक्लिक से क्या होता है, जब फ्यूजन की क्रिया करता है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, तो इससे बनते हैं इंडोस्पर्म, जबकि एग सेल से बना, एग सेल से फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनता है, सीड बनता है। तो अब बताइए, यहां पर 1N था ना, ये 1N था,
था यानी एग सेल है, जो बड़ा वाला था एग सेल था, और इससे जेनरेटिव सेल आए और वो भी क्या था, हैप्लॉइड था। तो इसके दौरान अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाता है तो बनते हैं जायगोट। क्या बनेंगे? जायगोट। यहां से देखिएगा, एक एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोग अगर देखें पीछे का उल्टा करके कब क्या क्वेश्चन पूछा गया तो मिल जाएंगे, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जायगोट जो है, जायगोट क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया, यानी टू एंड। क्यों हो गया डिप्लॉयड? तो हैप्लॉयड सेल ऑलरेडी पहले से था ही, एग क्या था, एग सेल जो था वो हैप्लॉयड था, और दूसरा जो मतलब परागकण से जो हैप्लॉयड सेल आए यानी जेनरेटिव सेल आए वो भी क्या था, वो हैप्लॉयड था। तो दोनों हैप्लॉयड मिलकर के क्या बन गया, डिप्लॉयड बन गया। तो जायगोट जो होता है क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जायगोट क्या होते हैं, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड, तो क्या होगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग यहां पर, ये जो बने इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष बोला गया। तो भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, ऑलरेडी पहले से पोलर न्यूक्ली कितने थे, मतलब दो था यहां पर, यहां पर दो सेल पहले से हैप्लॉयड सेल थे और एक सेल जो है और आ गया, तो अब टोटल सेल की संख्या कितना हो गया, तीन हो गया। तो हम लोग हैप्लॉयड, हैप्लॉयड तो क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड, और तीन हो गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉयड बोलेंगे, यानी त्रिगुणित होता है। क्या होता है, इसको हम लोग 3N से सूचित कर सकते हैं, यानी क्या हो गया कि इंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है यानी त्रिगुणित होता है। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि इंडोस्पर्म क्या हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है या फिर ट्रिप्लॉयड है, तो इंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। इसको याद रखें, ये नहीं कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड पढ़े हैं तो हैप्लॉयड या डिप्लॉयड में ही हम लोग लगा दें, ठीक है। इसको आप लोग इस पिक्चर को देख मतलब उतार सकते हैं, ये अलग का चीज था, और पिक्चर उतार लीजिए, फिर हम इसका डिफिनेशन लिखाते हैं सबका। जो मैंने समझाया था उस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसे उतार लें, और कहीं अगर दिक्कत होता हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। मैंने क्या लिखा है, बीजांड के अंदर पाए जाने वाले अंडाकार संरचना को ही क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। ये किसके अंदर पाया जाता था, बीजांड के अंदर पाया जाता था। और क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में मेगा एस्पोर मदर सेल, इसके अंदर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेगा एस्पोर मदर सेल बोलते हैं। उसी में जब डिवीजन होता है, कैसे डिवीजन होता है, पहले म्यूसिस सेल डिवीजन होता है, फिर म्यूसिस सेकंड होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आठ प्रकार की सेल का निर्माण होता है जो सेल हैप्लॉयड होते हैं। तो क्या है, एम्ब्रियो सैक में मेगा एस्पोर मदर सेल में डिवीजन के फलस्वरूप आठ हैप्लॉयड सेल का निर्माण होता है, जिसे जिसमें से थ्री सेल जो होते हैं यानी तीन सेल होते हैं वो क्या होता है, चलेजल इंड पे, यहाँ चलेजल इंड पर उपस्थित रहा, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं, जबकि तीन जो सेल होते हैं वो क्या होता है, नीचे होता है माइक्रोपाइलर इंड के तरफ उपस्थित रहता है। इसमें से ये तीनों सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एग एपरेटस के नाम से जानते हैं। इस एग एपरेटस में जो सबसे बड़ी आकार का जो सेल होता है उसे हम लोग एग सेल बोलते हैं, जबकि अन्य दो सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनरग्रिड के नाम से जानते हैं। जो शेष दो बच जाते हैं, वो दो शेष जो सेल होते हैं वो कहाँ पर पाया जाता है, मिडिल भाग में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लिक के नाम से जानते हैं। आप इसे नोट कर लें। चलिए, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया। ये डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया से आप क्या समझते हैं और इसके महत्व को लिखना रहता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो पुष्पों में जो मेल गैमिट होते हैं, मेल गैमिट क्या होता है, एक मेल गैमिट एक बार क्या होता है, एग सेल के साथ फ्यूजन करता है या फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तो उसमें जायगोट का निर्माण होता है और जो विकसित होकर के एम्ब्रियो बनते हैं। और दूसरा जो मेल गैमिट होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप जो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर देखते हैं कि एक बार जो होता है, एक मेल गैमिट क्या होता है, एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, जबकि दूसरा जो होता है मेल गैमिट वो क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या करता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर लेता है। चूंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया दो बार होती है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसके महत्व को देखें, तो महत्व क्या होता है, यदि यहाँ अगर हम लोग देखें कि जैसा कि हम लोग बात किए थे कि क्या होता है, प्राइमरी इंडो एस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है, और इंडो एस्पर्म का मतलब क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। अगर मतलब डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगा ही नहीं, अगर इंडो एस्पर्म का निर्माण होगा ही नहीं, तो बीज में क्या इंडो एस्पर्म होंगे, नहीं होंगे ना। तो जो बीज का निर्माण होगा वो क्या हो सकता है, या तो अविकसित भ्रूण होगा या फिर उसमें क्या होगा, इंडो एस्पर्म होगा ही नहीं, ठीक है। अगले दिन हम लेकर आएंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयारी कर लें।